नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रिव्यू एक्सपर्ट। और आज हम करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म माइलस्टोन का रिव्यू, जिसका ओरिजिनल नाम मील पत्थर है। ये एक सिंपल ड्रामा बेस्ड मूवी है और ये 1 घंटे 38 मिनट की फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर है इवान अय्यर और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में है सुविंदर विक्की, जो की गालिब के रोल में है, और गालिब है एक ट्रक ड्राइवर। इस फिल्म में एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की कहानी दिखाई गई है जो कि ट्रक को ही अपना दूसरा घर समझता है। गालिब अपने काम में इतनी व्यस्त रहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो जाती है। मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी गालिब की जॉब खतरे में आ जाती है। अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि गालिब के सामने क्या क्या मुश्किलें आती हैं और वो इन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। अब आइए आपको बता दें, इस फिल्म का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सुविंदर विक्की। सुविंदर विक्की ने गालिब के रोल में जान फूंक दी है। उनकी इतनी नेचुरल एक्टिंग है कि आप ये भी भूल जाएंगे कि वो एक एक्टर हैं कि एक ट्रक ड्राइवर। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आप गालिब का दर्द और अकेलापन फील कर पाएंगे। ये फिल्म एक ट्रक ड्राइवर के जीवन के संघर्ष से जुड़ी हुई है और इस फिल्म में उसी को बहुत बखूबी से दिखाया गया है। इस फिल्म का निगेटिव पॉइंट यह है, ये फिल्म बहुत ही स्लो है। फिल्म इतनी सीरियस है कि इस फिल्म में आप भूल से भी हंस नहीं पाएंगे। लाइट मूवी लवर्स को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और पंजाबी लैंग्वेज कहीं कहीं ओवर हो गई है। और इस फिल्म का कंक्लूजन यह है कि हम लोगों ने ये फिल्म देखी और हम लोगों को ये फिल्म काफी बोरिंग लगी। और हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि इस टेंशन भरे माहौल में आप और टेंशन मत लीजिए और इस फिल्म में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। और रिव्यू एक्सपर्ट इस फिल्म को 2 रेटिंग देता है आउट ऑफ 5 में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग रिव्यू एक्सपर्ट। थैंक यू।